शुरुआत एक नई करियर फील्ड की तो आज हम आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में अहम जानकारी देंगे। फॉरेन ट्रेड मतलब आप ट्रेड अपने देश के बाहर कर रहे हैं। किस तरह की काबिलियत एक नौजवान में होनी चाहिए इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए? जस्ट टेक्निकल स्किल्स विल नॉट मेक देम अ सक्सेस इन इंटरनेशनल फील्ड। इसमें मौके बहुत हैं, तो आप एक बहुत राइट सेक्टर में आए हो। बदलते हुए वक्त में फॉरेन ट्रेड की फील्ड में क्या हैं करियर के इम्कानात, जानिए मेरे साथ प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। इस शनिचर रात 9:30 और इतवार दोपहर 1:30 सिर्फ डीडी उर्दू पर। 8 million पीपल इन द वर्ल्ड डाई बिकॉज ऑफ टबैको। ब्रेस्ट, माउथ और लंग, इन तीनों कैंसर में सीधे सीधे तंबाकू का निशान। भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। अब अंधेरे ना उजाले हैं, खुदा खैर करे, और तन के वो उजले नजर आते हैं जितने यारों, मन के वो उतने ही काले हैं। समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता। तंबाकू के खिलाफ बेदारी मुहिम पर मबनी हमारी खास पेशकश जश्नी जस्तजू, मुलाहिजा फरमाइए बरोज जुमेरात दोपहर 2:30 और रात 9:30 सिर्फ डीडी उर्दू पर। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। धीरे धीरे हमारे मुआशरे में सेहत को लेकर बेदारी आ रही है और बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें आवाम को सेहत के तईं बेदार करने में सरगर्म हैं। इसी सिमत हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्मिता मिश्रा मेमोरियल फॉर कैंसर रिसर्च के जेर एहतमाम तंबाकू छोड़ो जीवन से नाता जोड़ो मुहिम के तहत एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें कैंसर के नामवर डॉक्टर्स ने लोगों को तंबाकू के सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात से आगाह करते हुए कहा कि तंबाकू की लत न सिर्फ कैंसर जैसी बीमारी का सबब बनती है, बल्कि नई नस्ल पर भी इस लत के बुरे असरात मुर्तब होते हैं। इस मौके पर एक कवि सम्मेलन का इनेकाद भी किया गया, जिसमें मुल्क भर से आए नामवर शोरा ने शिरकत की। उम्मीद की जा सकती है कि कैंसर बेदारी मुहिम के तहत हुआ ये सेमिनार तंबाकू की लत से आवाम को बचाने के साथ ही नई नस्ल को भी इस बुरी लत से महफूज रखने में एक नुमाया रोल अदा करेगा। मैं रिक्वेस्ट ऑफ माजिद अहमद तालिकोटिया, मॉडरेटर फॉर दिस सेशन, टू काइंडली जॉइन अस ऑन स्टेज। सी, आई हैव गॉट लॉट ऑफ लर्नड ऑनरेबल पीपल हियर, सो आई विल जस्ट नॉट just within 2 minutes I'll be finishing and we'll listen to them and answer your questions and queries rather than my questions and queries one by one, and this will continue as time permitted by Praful ji, who is my mentor and a very close guardian in many ways, and through him I have walked a long distance, you can say, with his blessings. And always, though we are meeting now after the 2 years, but what all he has inspired, the spark what he has lit in me and for the cancer awareness in the world is really amazing, selflessly. And I think we should give a clap to him. We have here Dr. Tapaswani Pradhan, who is well known and is a leading practitioner. And we have Dr. Anoop Kumar, whom I think we have met before also, and who is the HOD in Safdarjung and is doing a lot of work for the healthcare in the country, if I'm not wrong, if I remember rightly. And I have my dear friend with whom I walked together
learned many things, small, big, with him, and feel happy to have him. I think this is a blessing by our mentor that he has, we met after a very long time. I think it's 10 years. Yeah. Now, just to go along, why we are discussing is this, because nearly 8 million, I think 80 lakh log is tambaku ke sevan se wo apni mahatvapurn zindagi, they buy tobacco and sell their life against it. If I remember, any business, jo business hum log karte hain, उसमें ये होता है कि जो हमारा सबसे अच्छा कस्टमर होता है उसको हम चाहते हैं कि उसको कुछ दिवाली में गिफ्ट मिले, उसको कुछ मिले, बट ये तंबाकू ऐसा है जो सबसे अजीज हो जाता है, वो सबसे अल्लाह का प्यारा हो जाता है. आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर तपस्वनी टू ऐड व्हाट शी वुड लाइक टू एडवाइज एंड से समथिंग अबाउट द टबैको फॉर अ 5 मिनट्स और वट एवर लिटल एडवाइस शी वॉन्ट्स टू गिव टू ऑल ऑफ अस. तम्बाकू बहुत तरह तरह के रूप में बेचा जाता है, कुछ स्मोक फॉर्म में है, कुछ चबाने के फॉर्म में है और कुछ टूथपेस्ट के फॉर्म में आते हैं. तो आज आपने एप्पल ट्राई किया, तो कल आप स्ट्रॉबेरी ट्राई करेंगे, कल आप चॉकलेट ट्राई करेंगे, तो करते 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 आप इस तरह से इस जाल में फंस जाते हैं कि इसे बाहर ही नहीं निकल पाते. तो जब आपकी उम्र, वेन योर एक्सपोजर 10-15 ईयर्स का जब इस तरह का एक्सपोजर हो जाता है, यू रियलाइज दैट 30-40-50% ऑफ द पेशेंट्स हु स्मोक और हु कंज्यूम टबैको फॉल इन ट्रैप. आप किसी ना किसी ट्रैप में ज़रूर फंसते हैं. कैंसर तो खैर हम बात करते हैं इसकी, बिकॉज ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है, बट आप देखेंगे यंग पेशेंट्स, यंग एज में भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, बहुत सी दिक्कतें, तरह तरह की दिक्कत होते हैं. मेल्स फीमेल्स में इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, ये चीज़ें भी बहुत देखने को मिलता है. शायद बहुत लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं. सो तंबाकू का अगर आप बोलेंगे इसमें अच्छी चीज़ क्या है, शायद उसको बहुत ढूंढना पड़ेगा, शायद इसमें क्या ऐसा चीज़ है. एक चीज़ ज़रूर हम देखते हैं कि हाँ, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, बट ये एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स कराता है. इट गेट्स यू सो क्लोज टू रिलैक्सेशन दैट यू फाइंड इट इन योर ग्रेवयार्ड्स. सो माय एज अ डॉक्टर आई वुड रियली अर्नेस्टली रिक्वेस्ट, मेरी तो यहाँ पे सभी जनता लोग जो बैठे हैं, आप आज यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे. हमारी ये रहेगी आप 10 और लोगों को प्लीज सिखाएं और बताएं. डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि टोबैको से ना सिर्फ आपका मेडिकल हेल्थ खराब होता है, फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है कंट्री के ऊपर, बल्कि इन्वायरमेंट भी खराब होता है. तो इसके एक नया आयाम बताया डब्ल्यूएचओ ने कि आपका इन्वायरमेंट भी इससे पॉल्यूशन होता है. मैं एक यूरो ओंको सर्जन हूँ, मैं यूरोलॉजी कैंसर्स को ट्रीट करता हूँ, और मैंने कितने ही पेशेंट्स देखे जो यंगर एज ग्रुप में, जैसे डॉक्टर प्रधान ने बताया, कई सालों से यंग पेशेंट्स बड़े अनफॉर्चुनेट है, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर लेके आ रहे हैं, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं. जो ये हम टबैको की बात करते हैं, ना सिर्फ स्मोकिंग बल्कि जो च्यूइंग है, दोनों ही इक्वली हार्मफुल होते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट है जो पैसिव स्मोकिंग, जो अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, ये ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि हमें पता भी नहीं है और हम स्मोक कर रहे हैं. और इसलिए कई पेशेंट्स में जब हम हिस्ट्री इलिसिट करते हैं, हमें नहीं पता लगता, वो कहते हैं हमने कभी स्मोक ही नहीं किया. जब हम और पूछते हैं तो पता लगता है फैमिली में 4-5 लोग स्मोक करते हैं और वहीं बैठे रहते हैं, इसलिए वो इनहेल करते हैं और उससे उनको रिस्क हो जाता है कैंसर का. तो एक तो बात ये हो गई कि इससे कैंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हम सब जानते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिया. इसके साथ साथ हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा इवन फर्टिलिटी सिस्टम, इरेक्शन, सब उसका हमारा इफेक्ट होता है. और पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत कम हुए ख़राब हो जाता है. अभी हमने कोविड 2 साल झेला है, जो पेशेंट वो क्रॉनिक स्मोकर थे, हमने देखा उनको इतनी कॉम्प्लिकेशंस हुई, सीधा आईसीयू गए और कईयों की डेथ हो गई क्योंकि इनमें इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं थी. तो एक इनडायरेक्ट आपको इसका डिसएडवांटेज है कि आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है.
चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, सबकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है। तो मैं आज आप सबको ऐसे अनुरोध ये करना चाहूँगा कि जो स्मोकिंग है, ना सिर्फ स्मोकिंग बल्कि जो टोबैको च्यूइंग है, ये एक दिन का अवेयरनेस से नहीं जाने वाला है, ये एक अभियान होना चाहिए। जैसे कि प्रफुल्ल जी ने चलाया है, हम सबको उसमें हाथ मिला लेना चाहिए। तो अगर हम अवेयरनेस कैंसर के लिए फैलाते हैं तो हमें टोबैको च्यूइंग और एज वेल एज द स्मोकिंग के अगेंस्ट भी कंप्लेन चलाना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे कैंसर हमारे देश में फैलेगा कि शायद आज की डेट में हम में से शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी जिसमें डायरेक्टली हमें नहीं पता कि हाँ कैंसर का पेशेंट, इतना ज़्यादा हो गया। पहले क्या था, हाँ कोई है, अब हर फैमिली में लिटरली एक पेशेंट। और अगर हम मेन कैंसर देखें, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आ गई है, ब्रेस्ट, माउथ और लंग, इन तीनों कैंसर में सीधे सीधे तंबाकू का एलिमिनेशन। तो अगर इस मंच के थ्रू और हमारे बाकी सारे एफर्ट्स के थ्रू अगर हम इन कैंसर्स को दबा सकते हैं टबैको का यूज़ ना करके, तो ऑल ऑफ अ सडन आप रियलाइज़ करोगे आज की डेट में जितने नए पेशेंट्स आते हैं कैंसर में, उसमें से सिर्फ 30% रह जाएगा। नियरली 70% कैंसर बल्क हमारे देश से हट जाएगा अगर हम सिर्फ तंबाकू से थोड़ा दूर हो जाएं। लेकिन कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि तंबाकू थोड़ा सा हमारे लिए सोशली एक्सेप्टेबल, स्मोकिंग नहीं। स्मोकिंग अगर आपके सामने अभी कोई सिगरेट चला लेगा तो आप इमीडिएटली बोलोगे यार ये क्या कर रहा है, बाहर उठाओ। लेकिन वहीं उसके अगर मुंह में कोई कुड़िया होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़िंदगी जो 40-45 साल की उम्र से हट जाती है, उसके पीछे एक फैमिली है जो पूरी रह जाती है, और वो चीज़ हम लोग जो डेली बेसिस पर देखते हैं, उससे उभर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि हम ये बात आगे फैलाएं कि तंबाकू से दूर रहना हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तंबाकू छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। टोबैको एक ऐसी चीज़ है जो अब हमारे सोसाइटी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन गया है, जो हमें लगने लग गया है कि हम इसको एक्सेप्ट करने लग गए। बट हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट, द वे हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, हमें सिखाया जाता है कि कैंसर की किसी भी चीज़ को एक्सपोजर के आपको 20 साल चाहिए होते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। बट क्योंकि आज हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन भी, उसके ऊपर से हम स्मोकिंग इतना ज़्यादा प्रेविलेंट हो गया है कि बहुत यंग एज में लंग कैंसर्स दिखने शुरू हो गए हैं जो बहुत पहले कॉमनली नहीं देखे जाते थे। नाउ स्मोकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्लेन्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम एक बेसिक खांसी से लेके ब्रोंकाइटिस होना एक बड़ी प्रॉब्लम, जिसको हम COPD बोलते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज में एक एस्थमा का वर्स्ट फॉर्म है, बट वो हालांकि दोनों अलग चीज़ें हैं, बट फिर भी समझने के लिए हम कह सकते हैं। और गोइंग अप टू लंग कैंसर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में, मोर देन हम लोग जितना इमेजिन कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा। सो द वे, ये मेरा बारी बार एक मैसेज है हर एक के लिए जो हम ऑटोमेटिकली हर जगह सुन रहे हैं, कि अगर हम इस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहाँ पे हम बहुत चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑप्शनल है, देर इज़ नथिंग कि आपको इसके बिना नहीं जी सकते। तो बहुत इजीली आप स्मोकिंग के बिना रह सकते हैं, बहुत इजीली टोबैको के बिना रह सकते हैं, सो व्हाई नॉट, सो स्टॉप इट टुडे, कम्प्लीटली लीव टोबैको, एज व्हाट वी से कि स्मोकिंग छोड़ो और जीवन से नाता जोड़ो। डॉक्टर अमरनाथ अमर, विल यू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज? वी आर ऑनर्ड टू हैव यू टुडे हियर सर। You're a recipient of the President of India's Ganesh Shankar Vidyarthi Purushkar and Hindi Academy Sahityakar Samman. He's currently working as a consultant to DD National. We could not have asked for a better host for our evening's gathering. We thank Dr. Amar for his kind consent to hosting this segment. आज की शाम कई मायनों में ऐतिहासिक है, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, चेतना के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोशनी के लिए और तमाम तरह की संवेदनाओं के लिए। ऐतिहासिक इसलिए भी कि ऐसी एक संवेदना जो अपनी पत्नी की याद में हर साल एक ऐतिहासिक आयोजन करे और कैंसर के विरुद्ध, तंबाकू के विरुद्ध ऐसी जागरूकता फैलाने का काम करे, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक संकल्प है। एक योजना तो है, एक संकल्प है, एक
पैगाम है, एक रोशनी का पैगाम है। ऐसे मौके पे आदरणीय प्रफुल्ल जी का हम सब की ओर से एक बार करतल ध्वनि से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं कि कविता संवेदना का प्रतीक होती है, निजत्व की तलाश होती है, और वो संवेदना जो स्व से सर्व तक जाती है और सर्व की संवेदना को सिमेट कर अपने आप में केंद्रित कर स्व तक लाकर और एक रोशनी का पैगाम दूर दूर तक देती है। आज इस मौके पे ऐसे कविगण उपस्थित हैं जो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं, और जीवन के जितने भी प्रसंग हैं, जितनी भी अनुभूतियां हैं, जितनी भी संवेदनाएं हैं, उन सब की अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। बहुत कुछ न कहते हुए मैं सीधे सीधे आज के इस कवि सम्मेलन के संचालन के लिए प्रवीण शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रवीण शुक्ल जी, जिससे जुड़े संसार वो संवाद दो, हर दुखी मन को खुशी आह्लाद दो, कर सके हम शब्द की आराधना, माँ शारदे हमको ये आशीर्वाद दो। माँ सरस्वती की वंदना आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सपना सोनी को, जो दौसा से हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं। वो आए, माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। शारदे वंदन है शतवार, वंदन है शतवार, हाथ जोड़ कर विनती करने आई तेरे द्वार, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार, हरा भरा रखना है मैया, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। शारदे वंदन है शतवार, खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, पहल किया तो खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा, प्रश्नों के पक्ष में अगर चले गए जो हम, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। समस्याओं को इस तरह से भी कह सकता हूं कि हैं समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो, कि हैं समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो, बद शकल चेहरों के आगे आई ना करते रहो, और कल जमाने में तुम्हारा यश बहुत बढ़ जाएगा, ऐ चरागो आंधियों का सामना करते रहो, कि ऐ चरागो आंधियों का सामना करते रहो, ऐ चरागो आंधियों का सामना करते रहो। और चार पंक्तियां कहता हूं, सुनिएगा, कि समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, अजहर इकबाल साहब बैठे, कि समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो मैं खारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो, कि समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो मैं खारा हो नहीं सकता, मैं मिट्टी की तरह मिट्टी से जुड़ना जानता हूं बस, मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं सकता। जिंदगी में यदि नशा करना ही है तो प्यार का नशा करिए, क्योंकि उसके बाद किसी और नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जी, और प्यार में वो ताकत है जो जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। तो प्यार के नाम कुछ पंक्तियाँ, एक गीत आप सबके सामने रखती हूँ, आप सबका स्नेह मिले। मैं बात शुरू करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गीतों का राग हो जाना, तुम गुलाबों का बाग हो जाना, नीर आँखों का छीन कर मुझसे, नीर आँखों का छीन कर
दौड़ 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 बस दौड़ की लगी है होड़, दौड़ दौड़ के भी ठीक दौड़ नहीं पाए हम, दौड़ दौड़ के भी ठीक दौड़ नहीं पाए हम, जिसे नहीं छोड़ना था उसे छोड़ आए कहीं, जिसे छोड़ना था उसे छोड़ नहीं पाए हम, जिसे छोड़ना था उसे छोड़ नहीं पाए हम। औरों के जगाने में ही जिंदगी गुजार बैठे, औरों के जगाने में ही जिंदगी गुजार बैठे, अपने ही आप को झंझोड़ नहीं पाए हम। पुल और सड़कें तो सैकड़ों बना ली पर आदमी को आदमी से जोड़ नहीं पाए हम। आदमी को आदमी से जोड़ नहीं पाए हम। यदि आदमी को हम आदमी से जोड़ पाते तो ये समस्याएं बहुत कम हो सकती थी, लेकिन खुद हमने ही खुद को कुएं में ढकेला है, खुद हमने ही खुद को कुएं में ढकेला है, मानो तो जीवन है वरना ये झमेला है। पत्थर के शहरों की कुछ ऐसी फितरत है, पत्थर के शहरों की कुछ ऐसी फितरत है भीड़ बहुत लेकिन इंसान अकेला है, भीड़ बहुत लेकिन इंसान अकेला है। कि उसकी रहमत बड़ी एक निगाही तो है, उसकी रहमत बड़ी एक निगाही तो है, गोद में जिसके जन्नत समाई तो है, मौत के रास्ते तो बहुत है मगर जिंदगी देने वाली एक माही तो है। अमर जी का, प्रफुल्ल जी का नाम ही प्रफुल्ल है तो हंसाना भी जरूरी है, हंसना जरूरी थोड़ी, हंसो। कहना चाहता हूं कि सलाह डॉक्टरों की कभी न बिसारो, सलाह डॉक्टरों की कभी न बिसारो, अच्छी सेहत से जीवन संवारो, जिंदगी के लिए जहर है तंबाकू, जहर से कोसो रहो दूर प्यारो। अब अपनी विरोह में आता हूँ। आदरणीय प्रेम के गीत पढ़ रही थी, हमारे हरियाणा में तो इतनी देर में प्रेम करके निकल जाए। सही बात है। चार दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। वो बावली इश्क में कमाल कर गई, वो बावली इश्क में कमाल कर गई, आई लव यू लिखा और सेंटुअल कर गई। सेंटुअल और प्यार में इतना चलता है। चार पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ और आनंद लीजिएगा कि पहले इरादे फिर वादे फिर हाव भाव से, पहले इरादे फिर वादे फिर हाव भाव से, वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से और बीच समंदर ले जा कर किया प्यार का इजहार, आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। तेरे संसार से तंग आ गए हैं हमें, साभार से तंग आ गए हैं हमें, अब चाहिए थोड़ी सी घृणा, निरंतर प्यार से तंग आ गए हैं। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सर। चंद शेर समाप्त कर लें कि मेरी आँखों से मेरा प्रेम वर्णित हो न जाए, मेरी आँखों से मेरा प्रेम वर्णित हो न जाए, तुम्हारे नाम से दास चर्चित हो न जाए। हम उस देवी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं, हम उस देवी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं, किसी पापी को ये प्रसाद वितरित हो न जाए।
एक बीवी कई साले हैं, खुदा खैर करे खाल सब खींचने वाले हैं, खुदा खैर करे। और मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, उनके भी होंठों पे ताले हैं, खुदा खैर करे। उनके भी होंठों पे ताले हैं, खुदा खैर करे। और कूच है यार का तय होगा सफ़र अब कैसे, कूच है यार का तय होगा सफ़र अब कैसे, पाँव में छाले ही छाले हैं, खुदा खैर करे। पाँव में छाले ही छाले हैं, खुदा खैर करे। और शेर देखिए मल्होत्रा साहब के, क्या ताज्जुब है किसी रोज़ हमें भी डस लें, क्या ताज्जुब है किसी रोज़ हमें भी डस लें, सांप कुछ हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे। क्या ताज्जुब है किसी रोज़ हमें भी डस लें, सांप कुछ हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे। और ऐसी तब्दीली तो हमने कभी देखी ना सुनी जी, ऐसी तब्दीली तो हमने कभी देखी ना सुनी, अब अंधेरे ना उजाले हैं, खुदा खैर करे। अब अंधेरे ना उजाले हैं, खुदा खैर करे। और तन के वो उजले नज़र आते हैं जितने यारो, मन के वो उतने ही काले हैं। चांदनी बनकर जियो, अमर भैया सुनना जरा इसको, धूप बनकर फैल जाओ, चांदनी बनकर जियो, गुप अंधेरा छा न जाए, रोशनी बनकर जियो। आदमी के रूप में पैदा हुए तो क्या हुए, आदमी के रूप में पैदा हुए तो क्या हुए। बात तो तब है कि सचमुच आदमी बनकर जियो, बात तो तब है कि सचमुच आदमी बनकर जियो। तेरे शहर में रिम झिम गांव मेरा मरुथल, जी हम उसे रूठ गया बादल। तेरे शहर में रिम झिम गांव मेरा मरुथल, जी हम उसे रूठ गया बादल। गर्म हवालू बनकर चलती धरा का सूखा जल, जी हम उसे रूठ गया बादल। प्यास मिटाने को धरती की सब कुछ किए जतन, प्यास मिटाने को धरती की सब कुछ किए जतन, सभी देवता खुश करने को घर घर किए हवन, सभी देवता खुश करने को घर घर किए हवन। रोज रोज घटता जाता है धरा में जल का तल, जी हम उसे रोज गवाबा। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए, कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। एक छंदा सुनाती हूँ देश के एकता और अखंडता के नाम, सुनिएगा। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। और कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश
वरदान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है।